हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चंस बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, पीजीडीएफ और इंश्योरेंस सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं अपनी पेड क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप इन पेड क्लासेस को श्योर सिलेक्शन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन पेड क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है लेटेस्ट पैटर्न और करंट ट्रेंड के ये क्वेश्चंस हैं। चिल्ड्रंस मिक्स पैटर्न इज रिकग्नाइज एज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज दे रिप्रेजेंट अ की रिस्क ग्रुप फॉर डिजीज ट्रांसमिशन। इसमें देखिए, ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर वन है, और इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बोल्ड में दिया गया है यहाँ पर, और इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है बेटर पार्ट से या करेक्ट पार्ट से। यदि ये पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है तो आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चिल्ड्रंस मिक्स पैटर्न की इसमें बात हो रही है, इज रिकग्नाइज एज ए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, मतलब चिल्ड्रंस के, बच्चों के जो पैटर्न्स हैं, जो बिहेवियर से संबंधित जो पैटर्न हैं, वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं एज दे रिप्रेजेंट अ की रिस्क ग्रुप फॉर डिजीज ट्रांसमिशन। मतलब किस तरह का उनका बिहेवियर, एक्चुअली ये मेडिकल का, मेडिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, और इसमें यह बोला जा रहा है कि किस तरह के बच्चों के जो पैटर्न होते हैं बिहेवियर से संबंधित, वो इम्पोर्टेंट होते हैं डिजीज़ ट्रांसमिशन को डिटरमिन करने में, ये पता लगाने में कौन 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 सी डिजीज़ किस तरह के पैटर्न को देख के हो सकती है, किस किस तरह के पैटर्न से हो सकती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस तो सही लिखा है, लेकिन चिल्ड्रंस के जो पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है। तो देखिए, एक तो इसमें है कि बच्चों के पैटर्न की बात हो रही है इसमें, इसमें चाइल्ड नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर है इसमें चिल्ड्रन, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी ये आर होना चाहिए, इज नहीं होगी इसमें, तो आर वाले ऑप्शंस इसमें सही हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो आपका गलत हो गया, पैटर्न मिक्स इज, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर आर ही चाहिए आपको, इज रिकग्नाइज और आर रिकग्नाइज, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है तो इज और आर ही इसमें चाहिए, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर पैटर्निंग एक्चुअली गलत है, सही टर्म होता है मिक्सिंग पैटर्न्स। बच्चों के जो मिक्सिंग पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ को डिटरमिन करने में कि उनका डिजीज़ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब डिजीज़ किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो यहाँ पर सही होगा, सही जो ऑप्शन होगा वो होगा मिक्सिंग पैटर्न्स, मिक्सिंग पैटर्न्स आर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, द स्कूल्स इन द स्टडी वॉज सिलेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, यहाँ पर चूंकि स्कूल्स दिया है, सब्जेक्ट जो है ये स्कूल्स है और ये है प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हम वॉज नहीं बोल सकते। ठीक है, द स्कूल्स इन द स्टडी, यहाँ पर हम वर बोलेंगे, द स्कूल्स इन द स्टडी वर सिलेक्टेड, द स्कूल्स इन द स्टडी, स्टडी में स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया किस लिए, कि वो रिप्रेजेंटेटिव बने, टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग्स। तो स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, तो स्कूल्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर होगा आपका वर, द स्कूल्स वर सिलेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एंड सिंगल सेक्स एंड मिक्स सेक्स स्कूल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। मटेरियल इज सेट टू एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अ मटेरियल इज सेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ मटेरियल इज सेट का मतलब है कि एक मटेरियल के बारे में ऐसा कहा जाता है, अ मटेरियल इज सेट, यदि मैं बोलूँ इट इज सेट तो इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है, अ मटेरियल इज सेट तो इसका मतलब है कि मटेरियल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जिबिट करता है। तो टू के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई है जो कि सही है, और मटेरियल सिंगुलर है तो इस यहाँ पर सही है, तो ये पूरा जो फ्रेज है ये सही है, अ मटेरियल इज सेट टू एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी व्हेन इट इज़ एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट विथ प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सही है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ही इज सैड, शी इज सैड, अ मटेरियल इज सैड,
ठीक है, यदि आप पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर टू बी फिर आप बोलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी आप कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो यहाँ पर आप पैसिव वॉइस में टू बी बोलेंगे, और चूंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है तो इसलिए इसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ए मटेरियल इज सेट टू एग्जिबिट, मतलब मटेरियल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एग्जिबिट करता है, किस चीज़ को एग्जिबिट करता है, सुपर कंडक्टिविटी को। तो ये सेंटेंस आपका सही है, यहाँ पर आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक ये सेंटेंस है, राज कपूर एंड नरगिस वुड विजिटेड हिज स्टूडियो ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज इन लंदन, सो इट वॉज विथ, और पंडित रविशंकर वुड कॉल ऑन हिम ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू लंदन। देखिए कॉल ऑन हिम का मतलब होता है किसी से मिलने जाना, ठीक है, तो ये तो सही है यहाँ पर। वुड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें होगा वुड विजिट हिज स्टूडियो ड्यूरिंग, सही है, ड्यूरिंग देयर हॉलीडे, अपने हॉलीडे के दौरान जिस समय उनके हॉलीडे चल रहे थे उस समय चलते थे उस समय वो विजिट करते थे। राज कपूर नरगिस वुड विजिट हिज स्टूडियो ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज इन लंदन, अपने छुट्टियों के दौरान वो लंदन में उनके स्टूडियो को विजिट करते थे, तो वुड वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। कुछ मैंने और नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें लिए हैं, टोटल 13 मैंने सेंटेंस लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में, तो उन सेंटेंसेस को भी आप देखिए, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, और इसमें जो सेंटेंस में बोल्ड पार्ट है उसको आपको रिप्लेस करना है करेक्ट पार्ट से, क्योंकि ये पार्ट आपका गलत हो सकता है, ग्रामेटिकली गलत तरीके से लिखा हो सकता है। द कंसर्न मैटर वॉज रेफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमेटी सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज अर्लियर, मतलब जो कंसर्न मैटर है उसको वापस भेजा गया स्पोर्ट्स कमेटी। रेफर का मतलब होता है किसी किसी को मेंशन करना और किसी किसी का ध्यान खींचना। द कंसर्न मैटर वॉज रेफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमेटी, मतलब स्पोर्ट्स कमेटी के पास इसको वापस भेजा गया। द कंसर्न मैटर वॉज रेफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमेटी सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज अर्लियर, क्योंकि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो पहले पहले प्रपोज किए गए सोल्यूशन से अलग था, इसलिए उसको स्पोर्ट्स कमेटी के पास भेजा गया। तो यहाँ पर देखिए दो गलतियाँ हो सकती हैं, डिफरेंट के बाद हम फ्रॉम लगाते हैं, देन नहीं लगाते, तो डिफरेंट फ्रॉम तो यहाँ पर सही है, रेफर्ड बैक यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि रेफर के बाद हम बैक नहीं लगाते हैं। 90% केसेस में ये गलत माना जाता है, रेफर के बाद हम बैक इम्फेसिस के लिए लगा सकते हैं, वो भी स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन ग्रामर में 90% केसेस में इसका रेफर के बाद बैक के यूज़ को गलत माना जाता है। तो रेफर टू द स्पोर्ट्स कमेटी सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज्ड अर्लियर, तो इसमें सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री सेल ईदर ऑन ए प्राइस और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप बेसिस, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें देखिए ईदर और का यूज़ हुआ है, ये है ईदर और ये है और, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, और कोरिलेटिव कंजक्शन में जो पार्ट ऑफ स्पीच ईदर के बाद आएगा वही और के बाद आएगा। इसमें ईदर के बाद ऑन है और इसमें और के बाद क्वालिटी है, यानी ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसमें ईदर के बाद ऑन है, इसमें और के बाद क्वालिटी है, ये भी गलत हो गया। ईदर के बाद इसमें वर्ब है सेल और इसमें और के बाद क्वालिटी है, यानी ये भी गलत हो गया, एक तरफ वर्ब है और एक तरफ इसमें नाउन है। सेल ऑन ईदर, ईदर के बाद इसमें ए प्राइस है और के बाद ही क्वालिटी है, यानी इसमें भी नाउन है और इसमें भी नाउन है, यानी आपका सी सेंटेंस सही है, ठीक है। इसको देखते हैं, ईदर के बाद इसमें प्राइस है और के बाद इसमें ऑन है, तो ये गलत हो गया, आपका सी सही है, इसमें सी जो सेंटेंस है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीटिंग द मेंटल एग्जामिनेशन द मेमोरी लॉस वॉज फाउंड टू बी डिजीज, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एक काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद कुछ कुछ पाया गया, किसी चीज को डिटेक्ट किया गया, तो पहले हम एक काम को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही दूसरी चीज को हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कंप्लीटिंग ना बोलते हुए, कंप्लीटिंग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें दोनों काम एक साथ होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम ये बता रहे हैं कि पहले ये काम हुआ है उसके बाद ये काम हुआ है,
तो इसमें हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग कंप्लीटेड द मेंटल एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ये पाया गया कि पेशेंट को मेमोरी लॉस की बीमारी है, तो बी इसमें आपका सही होगा, हैविंग कंप्लीटेड द मेंटल एग्जामिनेशन द मेमोरी लॉस वॉज फाउंड टू बी डिजीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, करेंट इकोनॉमिक कंडीशंस डिमांड दैट वी नॉट ओनली कट जॉब्स एंड प्राइसेस बट ऑल्सो, इसमें नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद आएगा, नॉट ओनली के बाद इसमें है कट, बट ऑल्सो के बाद है इसमें रिड्यूस, यानी ये सेंटेंस सही है और इसमें आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। Reared in a village where computers and the internet were objects of curiosity, purity today hardly gives a thought to the immense possibility that the internet revolution has thrown open to him. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि reared का मतलब होता है पालन पोषण होना, आपकी जो upbringing होती है उसको हम बोलते हैं rear. तो reared in a village मतलब उसका पालन पोषण चूंकि कैसे गांव में हुआ था, यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट जो थे वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी थे, उत्सुकता के विषय थे, वो कॉमन चीज़ें नहीं थी, कॉमन एलिमेंट्स नहीं थे बल्कि उत्सुकता के विषय थे, तो इसलिए उसके लिए इमेंस पॉसिबिलिटीज़ को देख पाना जो इंटरनेट रिवोल्यूशन उसको दे रहा है उसको देखना उसके लिए असंभव था, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई थी वह कैसे गांव में होती जहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट जो थे वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी थे। ठीक है, तो रियर्ड यहां पर क्या है? रियर्ड यहां पर एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल है जो कि स्टेट बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा या स्थिति बताता है, तो उसकी दशा या स्थिति क्या थी इस व्यक्ति की, पलटी इस व्यक्ति की दशा या स्थिति थी कि वो रियर्ड हुआ था ऐसे गाँव में, वो उसका पालन पोषण ऐसे गाँव में हुआ था जहाँ पर इंटरनेट और ऑब्जेक्ट जो है एक क्यूरियोसिटी थे, तो रियर्ड के साथ हम बीग नहीं लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम बीग नहीं लगाते, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखिए इसमें रियरिंग गलत है, इसमें क्यूरियस गलत है, इसमें बीग रियर्ड गलत है, बीग नहीं लगाते हम, रियर्ड इन ए विलेज कंप्यूटर इंटरनेट वर ऑन, यहाँ पर क्यूरियसनेस बोल दिया है तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, सुपर कंडक्टर्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा इसमें, या यहाँ पर कोई भी प्लूरल वर्ब आएगी, तो आर ऑलरेडी यूज्ड हो सकता है, हैव बीन यूजिंग, सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन यूजिंग का मतलब है कि सुपर कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं किसी को, जो कि गलत होगा, सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन, नहीं इससे भी गलत हो जाएगा, हैव बीन यूजिंग का मतलब हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है, सुपर कंप्यूटर के साथ इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स है, कंसीडर्ड सुपर कंडक्टर्स कंसीडर्ड टू, नहीं ये भी गलत है, इसमें फर्स्ट ही बन सकता है, सुपर कंडक्टर्स आर ऑलरेडी यूज फॉर मैनी एप्लीकेशन, मतलब सुपर कंडक्टर्स को ऑलरेडी यूज किया जा रहा है या किया जाता है, सुपर कंडक्टर्स को ऑलरेडी यूज़ किया जाता है मैनी एप्लीकेशंस में, तो इसलिए यहाँ पर ए इसमें सही है, आर इसलिए सही है क्योंकि ये सुपर कंडक्टर्स है, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। इसको देखते हैं, बीइंग इन द नीड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग ही फाउंडेड राहुल खुराना आ बिहारी टेलर इन पटना हु कुड प्रोड्यूस, इसमें जो बोल्ड पार्ट है उसको आपको करेक्ट करना है, कुट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, इसको आपको सही करना है, बीइंग इन द नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग, बीइंग इन द नीड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग अ बिहारी टेलर राहुल खुराना वॉज फाउंडेड, नहीं फाउंडेड नहीं होगा, फाउंड होगा, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, फाउंडेड का मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना, तो फाउंडेड नहीं आएगा यहाँ पर, बिहारी टेलर राहुल खुराना, नहीं फाउंड हिम, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस सेंटेंस में बीइंग इन द नीड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग, एक ये ही जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ही जो सब्जेक्ट था उसकी सिचुएशन क्या थी कि वो नीड में था, वो ज़रूरत में था, उसको वैरायटी ऑफ क्लोथिंग चाहिए थी,
बीइंग इन द नीड ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग ही फाउंडेड, यानी ही यहाँ पर एक कॉमन सब्जेक्ट है और ही इस फ्रेज पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस फ्रेज पे भी अप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बीइंग के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बीइंग से पहले कोई सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो ही है, क्योंकि ही इस वाले फ्रेज पे भी अप्लाई हो सकता है और इस वाले फ्रेज पे भी अप्लाई हो सकता है। तो बीइंग इन द नीड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग ही फाउंड होना चाहिए, फाउंडेड नहीं, क्योंकि फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है। तो यहाँ पर होना चाहिए अब बिहारी टेलर राहुल खुराना फाउंड हिम। देखिए ये सेंटेंस तो उल्टा हो गया कि टेलर ने उसको फाउंड कर लिया, जबकि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि उसने एक टेलर को फाउंड कर लिया। तो यहाँ पर होना चाहिए अब बिहारी टेलर राहुल खुराना वॉज फाउंड बाय हिम। नहीं नहीं ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सही है। ही फाउंडेड राहुल खुराना टेलर्स अ बिहारी टेलर इन पटना हु कुड प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ यूनिफॉर्म इन ए कपल ऑफ डेज। उसने उसको चूंकि वो बहुत सारी वैरायटी उसको चाहिए थी क्लोथिंग की, तो इसलिए उसने पटना में राहुल खुराना टेलर्स को पता लगाया और वो ऐसा टेलर था जो एनी टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, किसी भी तरह की यूनिफॉर्म को कपल ऑफ डेज में पूरा कर सकता था। तो डी यहां पर पूरी तरीके से ग्रामेटिकली सही है, ही फाउंडेड, लेकिन इसमें भी फाउंडेड दिया है, फाइंड ही फाउंड होना चाहिए एक्चुअली, ये ठीक है फाउंड होना चाहिए ये एक्चुअली, इसको आप मिसप्रिंट मान सकते हैं। ही फाउंड राहुल खुराना टेलर्स आप बिहारी टेलर इन पटना हु कुड प्रोड्यूस, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस में, इसको हम नहीं बोल सकते। अब बिहारी टेलर राहुल खुराना वॉज फाउंड बाय हिम अ कपल ऑफ डेज लेटर हु कुड प्रोड्यूस, नहीं नहीं ये स्ट्रक्चर गलत है, डी इसमें सही है, ही फाउंडेड नहीं होगा, ही फाउंड होगा एक्चुअली, ठीक है डी। इसको देखते हैं, अरुण वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड, अरुण अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, अरुण वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स व्हेन द प्रीमियर इन अकंपनीमेंट विद हिज ओनली सोशल सेक्रेटरी एंटर द गार्डन। अकंपनीमेंट ये वर्ड गलत है एक्चुअली, इन अकंपनीड नहीं होता, अकंपनीड बाय होता है एक्चुअली। अरुण वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड व्हेन द प्रीमियर अकंपनीड ओनली बाय हिज सोशल सेक्रेटरी, ओनली अकंपनीड नहीं होगा, ओनली अकंपनीड का मतलब हो जाएगा कि उसके साथ था एक्चुअली, यहां पर आपको प्रेशर देना है कि उसके साथ केवल सोशल सेक्रेटरी था, उसके साथ केवल सोशल सेक्रेटरी था, अकंपनीड ओनली बाय हिज सोशल सेक्रेटरी, ओनली का प्लेसमेंट यहां पर नहीं होगा, ओनली अकंपनीड का मतलब हो जाएगा कि वो केवल उसके साथ आया था, ओनली अकंपनीड, मतलब यहां पर हम ओनली को अकंपनीड से पहले लगा रहे हैं जबकि ओनली को लगाना चाहिए सोशल सेक्रेटरी से पहले, क्योंकि उसके साथ केवल सोशल सेक्रेटरी था, तो इसलिए इसका प्लेसमेंट यहां पर गलत होगा, ओनली अकंपनीड, इसको लगाना पड़ेगा अकंपनीड ओनली बाय सोशल सेक्रेटरी, सी इसका सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है ओनली का इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑलराउंडर्स इन एनी क्रिकेट टीम इन थ्योरी मेक गुड सेंस, इन एक्चुअलिटी हाउएवर दे आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर। अब देखिए सेंटेंस कितना कंफ्यूजिंग ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस पार्शियली सही है, इसका सही एक्चुअली होगा, ऑलराउंडर्स इन एनी क्रिकेट टीम इन थ्योरी मेक गुड सेंस इन एक्चुअलिटी हाउएवर दे आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर। यहाँ पर हम ऑलराउंडर को मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम दे बोल रहे हैं, दे एक्चुअली आता है जब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं या प्रॉपर नाउंस होते हैं तो उनको हम रिप्लेस करते हैं दे से, यहाँ पर ऑलराउंडर्स एक्चुअली कॉमन नाउन है और इसका डिस्क्रिप्शन हम पहले दे चुके हैं यहाँ पर, ठीक है तो इसलिए यहाँ पर सच कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सच प्लेयर्स आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर्स। सच प्लेयर्स मतलब किस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, हम ऑलराउंडर्स प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सच प्लेयर्स आर नॉर्मली डिफिकल्ट टू डिस्कवर, इस तरह से हम इसमें बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से मैंने इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट के और नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में गारंटेड सेलेक्ट होना चाहते हैं, बैंक पीओ में, क्लर्क में और इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम में,
तो आप ये हमारा इंटीग्रेटेड टारगेट बैच जिसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस 2650 रुपये है। और अभी मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी शुरू किया है बैंकिंग एग्जाम के लिए, जिसकी वैलिडिटी 4 महीने है और जिसका प्राइस 999 है, 999 रुपये। तो इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और examinee.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैंने ब्लॉग्स लिखना भी शुरू कर दिया है, ग्रामर के और डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स के, SSC एग्जाम्स के। तो इन ब्लॉग्स को भी आप ज़रूर पढ़िए, ब्लॉग सेक्शन में जाके examinee.in पर, और डेफिनेटली इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।